तो आज की इस वीडियो में आप बिल्कुल आसानी से देखना कि जो आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है ना डीआई को लेके, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल श्योर कह रहा हूँ ये बात आपको। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन की आज के। दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, जून 2019 का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इसमें ये जो क्वेश्चन हमारा 24 जून को आया था, और डीआई के जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उनके अंदर सबसे पहली बात ये होती है कि उनकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमें अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम, और अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं कि स्टेटमेंट क्या दी हुई है, और बिल्कुल आसानी से इसे आराम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए, जो एक विशेष दिन पर सिनेमा घर ए और सिनेमा घर बी में 500 फिल्मों पी क्यू आर एस और टी के टिकटों की कुल संख्या की बिक्री दर्शाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है दोस्तों, दो सिनेमा घर दिए हुए ए और बी, और उन दोनों के अंदर पी क्यू आर एस टी टिकट बिकी थी, जितने जितने रुपए की टिकट बिकी थी वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, सॉरी, उनकी संख्या दी हुई है, रुपीज नहीं, उनकी संख्या दी गई है कि पी टिकट है वो कितनी बिकी थी, क्यू कितनी बिकी थी, आर कितनी बिकी थी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं दोस्तों इस बेस पे कैसे क्वेश्चन आया है। एक मिनट, हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं अच्छे से। सिनेमा घर ए पर कुल मिलाकर सभी फिल्मों की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या, यहाँ पे देखिए आधी आधी पढ़ने की कोशिश करते हैं। सिनेमा घर ए, अब देखिए सिनेमा घर ए कौन सा है हमारा, ये है, पर कुल मिलाकर सभी फिल्मों की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या, यानी कि सभी फिल्मों की, यानी कि पी क्यू आर एस की जितनी भी टिकट है वो सभी हमें एक ही काउंट करनी है। यहाँ पे आगे देखते हैं, सिनेमा घर बी पर कुल मिलाकर सभी फिल्मों की बिक्री की गई टिकटों की संख्या, यानी कि ए के अंदर जितनी भी बिकी है ये, बी के अंदर जितनी भी बिकी है ये दोनों की दोनों हमें काउंट करनी है। और उसके बाद में क्या है, इन्होंने क्या पूछा है, बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। ए सिनेमा घर में जितनी टिकट बिके उन सभी का सम कर लेंगे, फिर बी में जितनी बिके उन सभी का सम कर लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कितना आंसर आया है। अब देखिए, इसके अंदर ए और बी का काउंट करते हैं दोस्तों। ए और बी का जो मैंने जोड़ बताया था, जोड़ कर लेते हैं, इनका जोड़ क्या आएगा। सबसे पहले ए का जोड़ करते हैं हम। यहाँ पे एक तो जैसे मैंने सुबह आपको बताया था वो तरीका, उससे भी कर सकते हैं और सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, 50 और 50 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ये हमने जीरो लगा दी और एक और जीरो लगा दी, ऊपर आ गया हमारे पास एक हासिल आ गया। अब देखिए, दो और एक तीन, तीन और तीन छः, सात आठ, नौ दस ग्यारह, ग्यारह और चार कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। ये हो गया हमारा 1500। 1500 जो टिकट बिकी थी वो ए के अंदर बिकी थी। अब बी की बात करते हैं दोस्तों, बी के अंदर कितनी बिकी थी। अब देखिए इसके अंदर ये तीन है, यहाँ पे आप जैसा चाहे भी उस तरह से इनको काउंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 300 और 400 ये क्या कितने हो गए, 700 हो गए हमारे पास, और तीन साढ़े 300 और साढ़े 300 ये कितने हो गए दोस्तों हमारे पास, ये भी 700 हो गए। और अब ये देखिए 700 ये हो गए, 700 ये हो गए, 1400 हो गए, और प्लस में 250, तो बी के अंदर कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे पास 1650 हो गया। अब देखिए इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितने का है, आप खुद बताइए कितने का डिफरेंस है दोस्तों। तो आप बताइए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है ये, है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये देख लीजिए जो कुछ है आपके सामने है, ये जून 2019 के अंदर आया था, 24 जून का जो एग्जाम था उसके अंदर आया था। अब आप खुद बताइए दोस्तों, क्या डीआई मुश्किल है या कठिन है या आसान है, क्या है इसका आंसर, क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 150 है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और उसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए सबसे पहले वही बात आती है, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 32, 32 में हम देखते हैं सिनेमा घर बी पर फिल्म टी और एस की कुल मिलाकर बिक्री। अब देखिए एक एक स्टेप को लेके चलिए हम, आप सिनेमा घर बी, सिनेमा घर बी कहाँ पे, ये रहा अपना, पर फिल्म टी और एस, टी और एस कौन सा है, टी ये है, एस ये है,
कि कुल मिलाकर बिक्री, अब इन दोनों की बिक्री, ये देखिए बी, इन दोनों की बिक्री कौन सी होगी दोस्तों, ये होगी हमारी, ये बिक्री कितनी होगी 350 और 250 कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी हमारे पास 600, यहाँ पे मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब आगे क्या है, टिकटों की औसत संख्या कितनी है, अब हमें औसत बतानी है, औसत कितनी संख्या है, और औसत निकालने के लिए मैंने आपको सुबह भी बताया था कि जो टोटल होती है उसको, जो संख्या उससे होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो टिकट है कितने प्रकार की है, दो प्रकार की यहाँ पे दी हुई है, एस और टी। तो 600 को जब हम दो से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये आ जाएगा 300, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 300 आंसर कहाँ पे है, 300 आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है। तो ये भी देखिए दोस्तों कितना आसान ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। बी सिनेमा घर में एस और टी में जितनी टिकट बिके उनका हमने जोड़ कर लिया, जोड़ करने के बाद में हमें इनका औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए जो संख्या है उसको, जो हमारे जो टाइप है दो प्रकार के उनसे हम उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि टोटल को हम जो संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाए हमारे पास 300। तो आप बताइए दोस्तों आसान है या मुश्किल है, डर भाग रहा है क्या आप सभी का, किसी का, या अभी भी किसी को डर लग रहा है, जिसको डर लग रहा है उसको बताना, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे हम। अगर इतना आसान भी नहीं आ सकता तो पिटाई होगी आप लोगों को। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। सर ये इजी है जी, ऐसे ही आते हैं, यस सर वेरी इजी, सरिका खान, ऐसे ही आते हैं जी, लेकिन हम जब डीआई का नाम सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हवा आ गया, डीआई आ गया, डीआई आ गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, डीआई बिल्कुल आसान होती है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, दोनों सिनेमा घर ए और बी को मिलाकर, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, सिनेमा घर ए और बी को मिलाकर, ए और बी को मिलाकर फिल्म क्यू और आर, फिल्म कौन सी है, क्यू और आर की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या कितनी है। अब हमें इनकी टोटल निकालनी है ए में और बी में, क्यू और आर, अब इनका टोटल हमें बताना है दोस्तों कितना, हमें प्लस करना है। अब देखिए 350, 350 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 700 हो गया। अब हमारे पास 250 और 400 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे पास 650। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1350 हमारे पास आंसर आ जाएगा, और 1350 आंसर किस में, ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते कि कितने आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब इसमें देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा है, सिनेमा घर बी पर फिल्म पी, अब देखिए बी पर फिल्म पी, बी कौन सा है ये, पर पी, पी कौन सा है ये, ठीक है, की गई बिक्री की गई टिकटों की संख्या का अनुपात, अनुपात किस में देखना है, सिनेमा घर बी पर फिल्म क्यू, फिल्म क्यू। अब देखिए बी, सिनेमा घर बी ही ले रहा है, इसके अंदर पी और क्यू की जो टिकट बिकी है उनकी संख्या का हमें अनुपात निकालना है। ये बताइए दोस्तों इसका क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए दोस्तों, को 34 आपके सामने है, सॉरी मैं भी पागल हूँ, यहाँ पे आंसर मैंने दे रखा है। चलिए मैं बता देता हूँ, ये देखिए कितना आंसर है इन दोनों का, देखिए पी के अंदर कितनी हुई थी हमारी 300, और क्यू के अंदर कितनी बिकी थी हमारे पास 400। अब इन दोनों में दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, तो अनुपात हमारे पास क्या आ जाएगा, 3:4 यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें इन्होंने कहा है सिनेमा घर ए पर, सिनेमा घर ए पर, सिनेमा घर ए कहाँ पे है, ये रहा ए पर, फिल्म टी कौन सी है, ये है हमारी, ठीक है, पर की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत, यानी कि इसका प्रतिशत, और किसका देखना है, सिनेमा घर ए पर फिल्म पी, फिल्म पी ये होगी, की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में, एक मिनट, की तुलना में कितना प्रतिशत है, हमें प्रतिशत निकालना है दोस्तों, एक मिनट में ये थोड़ा साइड में कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये कह रहा है कि सिनेमा घर ए, सिनेमा घर ये हो गया ए, फिल्म टी कौन सी होगी, ये होगी हमारे पास, कि टिकटों की संख्या का प्रतिशत सिनेमा घर ए पर फिल्म पी, यानी कि टी और पी की जो संख्या हुई है, बिक्री जो हुई है उनका प्रतिशत हमें निकालना है।
तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में, अब जहां पे की तुलना दी हुई हो ना दोस्तों, जहां पे की तुलना उसको हम ऊपर रखेंगे। यहाँ पे रख लिया हमने 200 बटे में जिस जिसका हमें निकालना है वो हो गया दोस्तों 400 गुना में 100 करेंगे यहाँ पे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से जब हम इसको कट करेंगे तो 4 पंजे ये आ गया। एक मिनट दोस्तों, ये हमारा गलत आ रहा है, ये कैसे आएगा, एक मिनट रुकिए, इसके अंदर शायद उल्टा हो गया। हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, इसके अंदर जो 400 है वो ऊपर आएगा दोस्तों, 400 ऊपर आएगा बटे में 200 और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे आएगा दोस्तों। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 2 से फिर ये 400 को कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास दोस्तों 200 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 200% यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोबारा फिर समझा देता हूँ, शायद अगर आपको समझ में ना आया हो तो। यहाँ पे हमें क्या निकलना है, फिल्म टी हमारी ये है, की गई संख्या का किससे अनुपात निकालना है, फिल्म पी इसका इसके साथ हमें अनुपात निकालना है। तो क्या होगा दोस्तों हमारे पास 400 बटे में 200 गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से 400 को कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 200 आंसर यहां से आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपने देखे कि पांचों के पांचों जो क्वेश्चन है हमारे कितने आसान है, कितने आसान क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। और ये कोई मैं पिछला पेपर नहीं उठा रहा दोस्तों कि 2012 का, 13 का, 14 का, वो पेपर नहीं है, ये पेपर है जून 2019 का पेपर है, इतना लेटेस्ट पेपर है, इसके अंदर इतने आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो दोस्तों DI से बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब जिन जिन दोस्तों का डर खत्म हो गया वो लिखिए कि हाँ सर हो गया खत्म, डर खत्म लिखिए आप, मैं देखूँ तो सही किसको अभी भी डर लग रहा है। तो दोस्तों हमने कोशिश की है आज आपको अच्छे से समझाने की, और अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये ऊपर दिया हुआ है। और अगर आप चाहें तो दोस्तों आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।